जैसे क्रश को पटाने में पूरे आपके हंड्रेड परसेंट एफर्ट होते हैं वहां से जीरो परसेंट डिस्पॉन्स होता है फिर भी कोशिश करते रहते हो ना आजकल ना इंटरनेट के ऊपर मैं देख रहा हूँ इन्वेस्टिंग का नदिया बह रहा है इतना मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन है कि पूछो मतलब लेकिन एक चीज है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्वेंटीज में उसके ऊपर नहीं एक चीज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो और वो है कि रेड्यूसिंग द गैप बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स सच 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 बताओ सच सच बताना इतनी दूर है फिजिकली नहीं फिजिकल की बात नहीं करा हम लोग रह रहे हैं सब एक ही घर में लेकिन मेंटली मतलब जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके पास आप सबसे पहले अरे सुनना यार मेरे साथ ये किसको कॉल करते दोस्त को कॉल करते हैं या फिर किसी ऐसे को जो हम लोगों से ज्यादा पास है लेकिन पेरेंट्स क्यों नहीं है वही मेरा मेन सवाल है कि क्यों नहीं है अगर हम लोग अच्छी वाली नजर से देखें कि अगर कौन चाहता है हमारा ज्यादा भला हमारा कौन चाहता है मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो भी बेस्ट फ्रेंड है आपके साथ बुरा चाहता है नहीं वो भी मस्त है आप लोगों की अच्छी खासी दोस्ती बनी जाए लेकिन पेरेंट्स के मन में आप लोगों के खिलाफ एक डाउट भी नहीं है कि मैं नहीं चाहता इसके साथ कुछ बुरा बुरा मैं नहीं चाहता कि ये अपनी जान जाके कहीं पे दे दे नहीं वो चाहते हैं कि बस आपके साथ रहना आपके साथ खुश रहना लेकिन उनसे वो चीज़ हो नहीं पा रही है क्यों क्योंकि आप लोग हम लोग दोनों भी अगर देखें तो अलग अलग जनरेशन से जनरेशन से मतलब हम लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम्स थी कि हम लोगों को फोन से प्रॉब्लम है हम लोगों को एडिक्शन होता है फोन से हम लोग ज़्यादा टाइम फोन पर स्पेंड करते हैं हम लोग अकेले अकेले रहते हैं जिंदगी में हम लोग ऐसे बिना चप्पल के हम लोगों को नदियाँ पार करके स्कूल वूल नहीं जाना पड़ता हम लोगों के पास फैसिलिटीज़ आ चुकी है तो वो लोग उनके टाइम पर वो लोगों ने यह सब देखा नहीं वो रिले कर ही नहीं पाते कि क्या चलता रहता है तेरा दिन भर उस फोन में तेरको तेरा मारो सारी जड़ फसा

कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हम लोगों के लाइफ में जो हम लोग नहीं शेयर करना चाहते बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम में अगर आप आते हो कि यार आप क्या करो या फिर कोई भी करियर भी सिलेक्ट करना है माना कि करियर में पहले नहीं देखते क्योंकि वो लोगों को नए फील्ड्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है बट स्टिल कि क्यों नहीं आप उनसे डिस्कस भी क्यों नहीं कर पा रहे हो कि ये सब नए फील्ड्स और मैं इसमें जानना चाहता हूँ mm, क्यों तो इसका सिंपल रीजन है कि हम लोग एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते उनको ठीक से तो हम हम लोगों में प्रॉब्लम है ना देखो ये बहुत मुश्किल टास्क है सीधा सीधा एकदम हंड्रेड परसेंट बता देता हूँ ये बहुत मुश्किल है जैसे कि हम लोगों को इससे कई कई आसान टास्क है इससे इससे आसान टास्क है आप शेयर मार्केट में डाल के पैसे निकाल लो प्रॉफिट कमा लो या फिर आप शायद अपने पैशन को फॉलो कर दो वो आसान है लेकिन ये उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है क्यों क्योंकि इसमें ना खाली आप ही इन्वॉल्व हो <laughs> मतलब सामने वाले पार्टी को इंटरेस्ट ही नहीं है चेंज होने में कैसा मतलब मतलब देखो पहले के साथ जो झगड़े वगड़े होते रहते हैं अपने वो हम लोगों की वजह से हो रहे हैं ना हम लोग उनको समझ नहीं पा रहे वो हमको समझ नहीं पा रहे फिर चालू हो जाता है कि आप मेरे को समझ के ही नहीं लेते हो जब देखो तब जब... नहीं देखो देखो जब भी मैं किसी पे YouTube के ऊपर वीडियोस देखता था तो मेरे को लगता था ये ऐसा वीडियो बना क्योंकि इसके साथ ऐसा सब हो रहा है नहीं मेरे साथ सब मस्त चल रहा है लेकिन मैं किसी और का होते हुए देख रहा देखना इसलिए बता रहा हूँ डिफिकल्ट के साथ साथ ये प्रोसेस लेंदी भी है सच सच बता रहा हूँ कि ये प्रोसेस बहुत लेंदी है क्योंकि इसमें सामने वाली पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है कि आपको भी पूरा सब समझ के लेना है कि आपको ही समझना है कि ये सब क्या क्या हो रहा है ये सब ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है ये प्रोसेस लेंदी भी है और डिफिकल्ट भी देखो ऐसा तो होने नहीं वाला कि आज ये वीडियो देख के आपने सोचा कि आज से मैं पैरेंट्स के और मेरे बीच की दूरिया कम करे और जाके लड़ जाओ सीधा पैरेंट्स को सब जाके बता दिया और फिर जूते चप्पल से पीट जाओ मैंने ऐसा सब बोला ही नहीं है ठीक है <laughs> मैं कल ही बोल रहा हूँ कि ये प्रोसेस लेंदी है और इसको आराम से टाइम लगता है दो तीन साल तो मिनिमम मेरे को लगता है कि इसको तो लगेगा ही लगेगा सब चीजें कम होने को हाँ दो साल तो एवरेज लगता है ये क्योंकि पिछले दो तीन साल से मैं जाकर हूँ हाँ दो साल तो एवरेज लग ही जाता है वो आपके डिपेंड कर हैं आपकी मैंटेलिटी कैसी है आप कितनी चीज़ों को अच्छे खासे हैंडल कर पाते हो और ये प्रोसेस डिफिकल्ट तो है ही कि ये प्रोसेस मैं आप लोगों को शायद खून पसीना लग जाएगा इससे अच्छा तो आप आपका पैशन ही फॉलो कर दूँ तो मेरे को आप, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा चलो मान लिया ये प्रोसेस डिफिकल्ट है मान लिया ये प्रोसेस लेंदी भी है मान लिया कि ये प्रोसेस के अगर गलती से भी आप लोगों ने इस चीज़ को क्रैक कर लिया तो आपकी जिंदगी बेस्ट हो जाएगी लेकिन इस चीज़ को एक मेरे को सबसे एक बिना ये चीज़ के ये चीज़ कभी हो ही नहीं पाएगी और वो है कि आप खुद के साथ ग्रो करें और आपका माइंडसेट भी वैसा ये चीज़ को चालू करने से पहले मैं एक वार्निंग देना चाहूँगा कि आप आपके ऊपर काम करो सबसे पहले कि आप आपका माइंडसेट डेवलप करो आप रिसर्च करो कि इंसान होते हैं कैसे इंसानों को चाहिए क्या होता है हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट क्यों कर पाते हैं हम लोग जानवरों से अलग कैसे ये सब चीज़ के बारे में आप खुद की इन्फॉर्मेशन के लेकर के आप रिसर्च कर सकते हो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहले आप ये देखो कि आप खुद को समझो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ हर एक सिचुएशन में जब मेरे को गुस्सा आता है कि मेरे को गुस्सा इसमें क्यों आया उसमें क्यों नहीं आया वो भी चीज़ तो सही थी इसी में गुस्सा क्यों आ रहा है जब आप खुद को हंड्रेड परसेंट समझ जाओगे कि हाँ मैं ऐसे ऐसे करता हूँ मैं जब ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी तो मेरा हंड्रेड परसेंट रिएक्शन यही होने वाला है मैं जानता हूँ क्योंकि मैं खुद को जानता हूँ जितना मैंने खुद को अपने अपने अलग अलग कंडीशन में डाल के देखा है कि मैं ऐसा 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 कर सकता हूँ तो इसलिए मैं खुद को जानता हूँ तो इससे आपका काम एक आसान हो जाएगा कि आप पेरेंट्स को समझ पाओ कि उन्होंने जब अपने उनको बताया कि मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है मेरे को कुछ और करना है कि मेरे को फैशन डिजाइनिंग करना है मेरे को मॉडलिंग करना है मेरे को एक्टर बनना है उनको कुछ भी कुछ भी करना है तो आप समझ जाओगे इंस्टेंट की जैसे ही मैं उनको ये बताऊंगा तो वहाँ से रिएक्शन ये आएगा क्यों क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया अपने पेरेंट्स को अपने नोट डाउन करके रखा है कि मैं जब ऐसा ऐसा रिएक्ट करता हूँ तो शायद उनका भी कुछ डिफॉल्ट बिहेवियर होगा तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखी कि वो, वो तब आपको पता चल जाएगा कि ऐसा सब होने के बाद वो ऐसा रिएक्ट करेंगे वो ऐसा रिएक्ट करेंगे तो एक काम करते हैं ना उनका रिएक्शन चेंज कैसे कर सकते हैं कम्युनिकेशन आप अभी सेंटेंस को रिफ्रेम कर ले कि मैं ऐसा सोच रहा था कि ये पढ़ाई वढ़ाई तो सब साइड में चलते रहेगा ये इसका एकदम मस्त चलता रहेगा इसमें मेरा स्कोर वोल नीचे नहीं जाएगा मैं सोच रहा हूँ कि मेरा हाथ दूसरी जगह एक्टिंग वैक्टिंग में डाल के देखो मॉडलिंग वॉडलिंग में डाल के देखो पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं सब ठीक रहेगा तो मैं सोच रहा हूँ कि मॉडलिंग ट्राई कर लेता हूँ पढ़ाई के साथ साथ नहीं पढ़ाई को नहीं छोड़ जाओ तो आपने क्या किया आपको पढ़ाई को छोड़ना तो है बट आप डायरेक्टली कूद नहीं रहो की मैं छोड़ रहा हूँ आपको साथ देना है तो दोनों निकलो मैं जा रहा हूँ आपका घर छोड़ के नहीं चाहिए मेरे को आपका पैसा नहीं नहीं ना सब जाने चाहिए ना तो देखो पेरेंट्स के साथ हम लोगों की झगड़ा बनते बनता सब ठीक है अब बना सकते हो आप कम्युनिकेट करो कम्युनिकेट करने के बाद आप खुद ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो खुद के माइंडसेट के ऊपर ध्यान दो कि हाँ अगर मैं खुद के पास दे सकता हूँ तो ये गैप आराम से कम होना है एक बार इमेजिन करके देखो जो मैं बोल रहा हूँ वैसा आपने सही में आप लोगों ने आपके साथ हो गया कि कुछ भी तकलीफ आ रही है आप फोन करो हेलो पापा क्या हो गया कि मैं थोड़े पैसे वैसे यहाँ पे हार गया हार गया इन देंस बोल सकता हूँ कि मेरे दोस्त से लिए थे उसको देने के लिए मिल नहीं रहे अभी और मैंने ऐसा ऐसा सब कांड किया है पीछे तो अब मेरे को प्लीज बाद में डांट लेना पहले हम लोग ये देख लेते कि आप प्लीज मेरे को पैसे भेजो ना घर आने के बाद डांट लेना घर <laughs> जाने के बाद चल पापा डांट ही नहीं बोल रहे ऐसा कि क्यों किया तूने ऐसा नहीं करना चाहिए गलत है ये ठीक है ना मत क्या हुआ आप मजा ही आया ना आपका बेस्ट प्रॉब्लम किसका सॉल्व हुआ पापा ने सॉल्व किया क्यों क्योंकि क्यों, क्यों? पापा मम्मी जो भी है उन्होंने सॉल्व किया उससे क्या हुआ उससे आपकी एक मस्त आपका आपकी एक सिक्योर हो गया यार कि कुछ भी हो मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स खड़े हैं जो कि मेरी मदद करने के लिए बैठे हैं उनको बस एक एश्योरेंस दो कि आप आपकी जिंदगी के साथ कुछ अच्छा ही करने वाले हो कुछ उल्टा पुलटा नहीं करें आप कुछ नशे वशे नहीं करें आप उल्टी सीधे हल्का दे नहीं करे बाहर जाके उनको बस एक एश्योरेंस दो और ये वन साइडेड प्रोसेस है ठीक है समझ लो उनको आपको समझ के लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं आपको ऐसा उनको समझ के लेना है आपको उनको पता है ना कि आप मेरे को थोड़ा सा समझ लो आप ही को पूरे एफर्ट्स हंड्रेड परसेंट एफर्ट्स आपके जैसे क्रश को पटाने में पूरे आपके हंड्रेड परसेंट एफर्ट्स होते हैं वहाँ से जीरो परसेंट रिस्पॉन्स रहता है फिर भी कोशिश करते रहते हो ना तो ये तो फिर भी पेरेंट्स है यार यहाँ पे क्यों नहीं पे तो आप लोगों के मन में सवाल भी नहीं आना चाहिए कि कि पटेगी नहीं पटेगी। वहाँ पे तो नहीं बोलने के बाद भी आप लोग लगे रहते हो हाँ या ना <laughs> तो यहाँ पे क्यों नहीं तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि इतनी सब चीजें एकदम मस्त चलती है तो चलने दो क्योंकि ये चीज आप लोग चाहता हो कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी करो और लंबी प्रोसेस है आराम से वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि पहले आप आपका खुद का माइंडसेट बना रहे हो फिर उसके बाद आप पेरेंट्स को समझ लो फिर उसके बाद ये प्रोसेस चालू करें सीधा जाके उसमें डाइव मत मार देना कि बस अभी मैं सब खत्म कर जाऊँ गंदा वाला फसोगे गंदा वाला झगड़ जगर, झगड़ते बैठोगे सब जगह पे जाके ठीक है तो मस्त वाले इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए मैं बोलना चाहता हूँ वो मैंने बता दिया मान के चलता हूँ मैंने जो मैसेज करने करना चाहता हूँ वो सही से पहुंचा जाएगा बिना किसी बीच के उल्टी पुलटी बात के जो मैंने कर ली जाएगी कि पता ना नीचे कमेंट सेक्शन में कि मैं जो बोलना चाहता तो हूँ वो समझा कि नहीं समझाओ ये इंपॉर्टेंट कितना है कि आप लोग देख पा रहे हो इसकी इंपॉर्टेंस कि कल उठ के अगर आपके पास कोई सपना आ रहा है और आपने उसको डिस्कस क्या किया ये मेरा सपना है तो वो एक आपको इनसाइड बता दें मैं नहीं चाहता कि आप मेरे को बताओ कि ये सही है नहीं गलत मैं बस चाहता हूँ कि आप उसके ऊपर क्या कहना चाहते हो और मैं इसको फॉलो तो कर रहा हूँ कोई दूसरी बात नहीं है कि इसमें कि मैं नहीं कर रहा मैं कर रहा हूँ आपस मुझे बताओ कि आप क्या चाहते हो कि इसमें बीच का पॉइंट निकाल लेना कुछ तो होगा क्योंकि करना तो है रहना तो है साथ में पेरेंट्स छोड़ नहीं सकते और छोड़ने ही सोचना भी नहीं ठीक है <laughs> तो बस और क्या इतना ही मस्त आप बैठ के बीच का पॉइंट बीच का पॉइंट निकाल लिया निकालने के बाद आप भी खुश वो भी खुश थोड़ा सा टाइम मिल गया बोला कि हाँ ये टाइम नहीं मिलने के बाद आप जो बोलोगे वो लेकिन उसके पहले आप मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर लो बीच बीच में ताने वाने पड़ेंगे आपको कि ये फिर भी कुछ नहीं कर रहा टाइम कम बाकी है कुछ भी टाइम खत्म होने के बाद तक को दिया वा। ताने वाने सब पड़ेंगे लेकिन समझ के लो उनकी भी कंडीशन वो आपके साथ गलत नहीं चाहते और ना चाहते कि आप आपके साथ कुछ उल्टा हो आपकी करियर वेस्ट हो आपके कुछ पैसे वैसे ना हो वो बस चाहते हैं कि आप एक स्टेबल आदमी एक अच्छा इंसान बन जाओ बस ठीक है तो मान लिया समझ लिया ठीक है तो मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में शायद मैंने खत्म अभी दो से द, द, दो मिनट पहले गया था बाद में थोड़ा खींच लिया ले, कोई बात नहीं मिलता हूँ अगले वीडियो में लिए बाय